नमस्कार दोस्तों, अलीराजपुर लाइव में आज आपका स्वागत है। मैं नानपुर से जितेंद्र वाणी। आज अलीराजपुर जिले के दोनों क्षेत्रीय विधायक नागर सिंह चौहान एवं माधुर सिंह जी डावर एवं जिला अध्यक्ष राकेश जी अग्रवाल भी हमारे साथ में हैं। आज यह यात्रा निकालने जा रहे हैं, कांवड़ यात्रा। जो यात्रा के बारे में हमारे जोबट विधानसभा के विधायक माधुर सिंह जी डावर आपको बताएंगे कि इस यात्रा का क्या उद्देश्य था और कहाँ कहाँ से यह यात्रा गुजरेगी और कहाँ तक जाएगी। बताइए हमारे दर्शकों को कि यात्रा का क्या उद्देश्य था। यह यात्रा जो है वो जोबट मंडल कट्टाली मंडल के समस्त बूथों से, पंचायत और बूथों से ये यात्रा निकली। इसमें करीब 800 से 1000 लोग यात्री ये कांवड़ यात्री सम्मिलित हुए हैं और यात्रा का उद्देश्य एक ही है कि हिंदुत्व की रक्षा करना और जो वर्तमान में परिदृश्य में जो बिखराव आ रहा है उस बिखराव में एकत्रीकरण करना है और अपने हिंदुत्व की रक्षा करना और साथ में पानी जो काफ़ी समय से सूखा जैसा स्थिति निर्मित हो रही है उस स्थिति को भी दूर करने के लिए माँ नर्मदा से प्रार्थना करने के लिए और भगवान भोलेनाथ को ये जल चढ़ा करके हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे इस क्षेत्र के किसानों के लिए सुख समृद्धि लेकर आए, ये वर्ष अच्छा व्यतीत हो और अच्छा वर्ष अच्छा रहे। इस यात्रा में कितने गांव के लोग शामिल हैं? करीब करीब इस यात्रा में 40 और करीब 90 गांव के लोग शामिल हैं। जी ठीक है। अभी इसी के साथ मैया की जय, नर्मदा मैया की जय। राकेश जी अग्रवाल जी हमारे साथ में हैं, अब यह बताएंगे कि यात्रा के बारे में आगे और क्या जानकारी है, क्या पूरे जिले में यात्रा निकलेगी क्या? फिलहाल में यह यात्रा जोबट विधानसभा की ओर से निकाली गई है और जिले की संपन्नता और समृद्धता के लिए यह यात्रा का आयोजन हमारे दोनों विधायकों द्वारा किया गया है। साथ ही हमारे जोबट विकास खंड की 38 पंचायतों के करीब 90 गांव इसमें शामिल हुए हैं और 90 गांव से कम 900 कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल हुए हैं, जो चाहते हैं कि जिला समृद्ध बने, हिंदुत्व का भाईचारा रहे और किसान समृद्ध रहे। इस यात्रा कब निकाली गई थी? यह यात्रा आज 11 बजे जोबट से निकाली गई है और कोटेश्वर में आकर यहाँ से जल लेकर वापस अपने अपने गणतंत्र स्थान पर शिव जी का पूजन किया जाएगा। इसके बाद अब अलीराजपुर जिले के क्षेत्रीय विधायक नागर सिंह भी हमारे साथ में हैं। विधायक जी बताइए, आप अलीराजपुर जिले से कब यह यात्रा निकालेंगे? देखिए, ये यात्रा जोबट विधानसभा की है और जोबट विधानसभा की जो कांवड़ यात्रा है हम लोग उसका स्वागत और सम्मान के लिए आए हैं। जहाँ तक कांवड़ यात्रा का मकसद है, आपको पहले ही बताया कि जो कांवड़ यात्रा है भारतीय जनता पार्टी की है और माधव सिंह डावर वहाँ के विधायक हैं, उनके नेतृत्व में ये यात्रा निकल रही है। उनका मुख्य उद्देश्य यह है, ये कांवड़ यात्रा इस वर्ष शुरुआत की है और माधव सिंह डावर जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि ये यात्रा आने वाले समय में सतत चलेगी। इसका उद्देश्य ये है कि गांव में जो लोग धर्म के प्रति, कांवड़ यात्रा के प्रति जिन लोगों में जागरूकता नहीं है, उनमें जागरूकता लाना, जिससे कि हमारा समाज और ये जोबट और अलीराजपुर जिला आगे बढ़े, इसी उद्देश्य को लेकर ये कांवड़ यात्रा का मकसद है। अब ही लोकसभा विधानसभा के प्रभारी जो नियुक्त किए गए हैं किशोर जी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, वह भी इस यात्रा के बारे में बताएंगे कि अलीराजपुर जिले से या क्या ककराना से यात्रा जाएगी या कोटेश्वर से निकलेगी। यह जो यात्रा है युवाओं में फैली व्याप्त कुरीतियों का, जो गलत मार्गों पर जा रहे हैं, जो शराब व्यसन के लिए और आगे बढ़ रहे हैं, समाज में नागर सिंह और माधव सिंह डावर की ओर से धर्म जागरण के लिए ऐसा एक अथक प्रयास किया जा रहा है कि युवा पीढ़ी को नया दिशा मिले और इस क्षेत्र में धर्म के प्रति सबकी जागृति बढ़े। धर्म जागरण के लिए ये यात्रा ककराना और कोटेश्वर से अलीराजपुर जिले से अलग अलग ये यात्रा निकलेगी और कई शहर और गांवों से होती हुई ये यात्रा लगभग 2 से 3 हज़ार कार्यकर्ताओं की अलग अलग निकलेगी और भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा के साथ
यह यात्रा शिव जी के आराधना के साथ ये पूर्ण होगी। यात्रा थी और जोबट विधानसभा नगर पालिका के नगर अध्यक्ष नगर अध्यक्ष भाई दीपक जी भी हमारे साथ में और यात्रा के बारे में और जानकारी देंगे। दीपक जी बताइए क्या यात्रा का उद्देश्य था और कहां तक जाएगी? ये यात्रा कोटेश्वर तक निकलेगी, कांवड़ यात्रा है। इसमें हिंदू धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ाना और जो हमारे क्षेत्र में पानी जो वर्षा नहीं हो रही है वो सभी भक्तजनों ने वो मांग करी माता से कि जल्दी वर्षा हो और किसान समृद्ध हो। देखिए दोस्तों यह थी यात्रा का उद्देश्य और यह था उद्देश्य क्षेत्र में पानी की कमी के चलते और गांव में जिले में सुख शांति समृद्धि के लिए यात्रा निकाली गई है। आगे बने रहे हमारे साथ अलीराजपुर लाइव के लिए जितेंद्र।